आप बताएं सर कि अभी जो राजस्थान हाई कोर्ट को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि जो समाचार जो अभी विधानसभा में जो प्रश्न किरण जी माहेश्वरी ने उठाया और जो उत्तर दिया गया वो शायद वो उत्तर अपूर्ण है। उत्तर में ये कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों में क्या स्थिति रही हाईकोर्ट की, वो शायद सही उत्तर नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद 28 अगस्त 1949 तक संयुक्त राजस्थान की हाईकोर्ट उदयपुर में थी। इसका एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स अपन अगर देखें तो 4/5/1948 को राजस्थान हाईकोर्ट ऑर्डिनेंस प्रकार जारी हुआ, जो 22 जून 1948 को संयुक्त राजस्थान सर के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। उसके धारा 19 के अनुसार ये स्पष्ट प्रावधान है कि हाईकोर्ट की बेंच उदयपुर में होगी, और साथ ही ये प्रावधान है कि कोटा में भी वो कार्य करेगी, और राजप्रमुख की सलाह से चीफ जस्टिस को ये अधिकार दिया गया कि वो और उदयपुर के अलावा अन्य कहीं भी सिटिंग हाईकोर्ट के जजेस को शूटिंग के लिए कह सकते हैं। 1948 में जो ऑर्डिनेंस राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डिनेंस निकला, उस वक्त राजस्थान के 10 राज्य उसमें सम्मिलित थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 1948 में संयुक्त राजस्थान में नहीं थे। उनका विलीनीकरण 7 अप्रैल 1949 से हुआ, और 7 अप्रैल 1949 को जयपुर ने, बीकानेर ने, जोधपुर ने और जैसलमेर ने अपना प्रशासन संयुक्त राजस्थान सरकार को सौंप दिया, जिसकी राजधानी उदयपुर में थी। और उसके बाद जोधपुर हाईकोर्ट में जो ये हाईकोर्ट की स्थापना हुई वो 29 अगस्त 1949 को ही, जिसका ये गजट मॉडिफिकेशन है। जी जी ठीक है। 29 अगस्त 1949 के इस गजट नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट ये प्रावधान दिया गया है कि जयपुर में जो हाईकोर्ट जो वर्क करेगी वो जयपुर के केसेस को डिस्पोज ऑफ करेगी, जयपुर और कोटा के केसेस को डिस्पोज ऑफ करेगी, और उदयपुर में भी हाईकोर्ट काम करेगी उदयपुर डिवीजन के केसेस को, सर्किट बेंच का या खंडपीठ का नहीं था। स्पेसिफिक प्रोविजन है कि हाई कोर्ट शेल आल्सो सीट एट उदयपुर टू डिस्पोज ऑफ द वर्क अराइजिंग इन उदयपुर डिवीजन। तो ये काम हो गया। इसका मतलब स्वतंत्रता के बाद भी 1949 में हाईकोर्ट की बेंच हाईकोर्ट उदयपुर में थी। इसके बाद जो गजट नोटिफिकेशन आया 3 सितंबर 1949 का, उसमें इन्होंने कहा बीकानेर और कोटा के लिए जो हाईकोर्ट के अधिकार थे वो सिर्फ उन्होंने ये कहा जिस दिन संयुक्त राजस्थान में ये राज्य विलीन हुए उस दिन जो केसेस पेंडिंग कोटा में या बीकानेर में थे उन केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उनको अधिकार दिए गए, जबकि उदयपुर में और फ्रेश इंस्टीट्यूशन का कोई अधिकार बीकानेर और कोटा को नहीं था, जबकि उदयपुर को फ्रेश इंस्टीट्यूशन का पूर्ण संपूर्ण हाईकोर्ट का अधिकार था। तो इन गजट नोटिफिकेशन से ये साबित होता है कि स्वतंत्रता के बाद भी 28 अगस्त 1949 तक हाईकोर्ट की मुख्य पीठ उदयपुर में थी, और उसके बाद भी उदयपुर डिवीजन के केसेस सुनने का अधिकार उदयपुर को ही रहा है। तो ये जो सूचना विधानसभा द्वारा जो किरण माहेश्वरी जी के प्रश्न के उत्तर में दी गई है वो शायद अपूर्ण सूचना है। स्वतंत्रता के बाद भी हाईकोर्ट उदयपुर में थी और 28 अगस्त 1949 तक थी। अभी आपने मुझे केएम पुंछी वाला फैसला भी दिखाया था जिसमें ये साफ था कि नेशनल सिमिलरिटी थी और मेवाड़ राजघराने को उस समय अधिकार नहीं था ये चीज का। एक अनोखी चीज हमारे यहाँ मेवाड़ में थी कि 23 मई 1947 को भारत राजस्थान में संविधान मेवाड़ में एक संविधान लागू हुआ जिसके मेवाड़ के संविधान के नाम से जाना जाता है। उस मेवाड़ के संविधान के जनक केएम भारत के प्रख्यात जुरिस्ट विधिवेत्ता केएम मुंशी थे। उस संविधान में महाराणा के अधिकारों को कर्टेल यानी कि सीमित कर दिया गया। संविधान से पहले महाराणा के जो अधिकार थे, महाराणा को ये कहा जाता है जो कुछ महाराणा द्वारा कहा गया है वो एक कानून है लेकिन, और 1947 के मेवाड़ के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो एक अध्याय है वो प्रथम बार देश के मेवाड़ एक ऐसा प्रथम राज्य था देश का जिसमें मौलिक अधिकारों को अध्याय जोड़ा गया और महाराणा के अधिकारों को
सीमित कर दिया गया। एक व्यक्ति को एक्स्ट्राडिशन यानी कि राज्य से बाहर निकालने का एक आदेश मेवाड़ महाराणा ने दिया, तो उस प्रश्न को लेकर फाइनल कोर्ट ऑफ अपील जो कि सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष मेवाड़ की थी, जिसके न्यायाधीश के मुंशी थे, जे एस राणावत थे और जी ठाकुर, ये तीन जजों की बेंच का फैसला दिया। उन्होंने कहा कि महाराणा के अधिकार नहीं है, मेवाड़ के संविधान से पहले महाराणा की क्या पोजिशन थी, हो सकता है उन्होंने जो कुछ कहा वो कानून हो, लेकिन कानून के शासन का जो उल्लेख मेवाड़ के संविधान में कहा गया है तो कानून के शासन से मेवाड़ का महाराणा भी ऊपर नहीं है। इस कारण जो एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर या देश निकाले का जो आदेश महाराणा ने दिया वो ऑर्डर गलत।